बसपा ने घोषित किया एतमादपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी सर्वेश बघेल को बनाया बसपा से नए विधानसभा प्रत्याशी। एतमादपुर नगर आरबी पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हुई घोषणा। कार्यकर्ता सम्मेलन में विपक्ष की हंगामे की कोशिश भी नाकाम। विरोधियों ने किया था माहौल बिगाड़ने का प्रयास। सर्वेश बघेल की कार्यकर्ता सम्मेलन में हुई हजारों की संख्या में भीड़ देखकर विपक्ष की ओर होश। एतमादपुर नगर के निवासी में बसपा के घोषित उम्मीदवार सर्वेश बघेल क्या माने इसको एक तैयारी को लेकर क्या क्या स्कीम रहेंगी क्या वेन्यू का आदेश रहेगा इस मुद्दे पर लोगों को क्या ज्यादा बहुत समाज पार्टी का नारा है और जब चार बार उत्तर प्रदेश में जो है समाज पार्टी की सरकार चली जिस तरीके की सरकार चली उससे कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज बचा हुआ नहीं है कि जिस तरीके की सरकार की भी प्रशंसा नहीं करता है चाहे कानून व्यवस्था पर ले लो चाहे विकास पर ले लो चाहे किसानों के हित के ले लो चाहे कमजोर लोगों के हित के फैसले ले लो हर स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार कामयाब। अभी बहनों ने बाहुली को टिकट काटा उसका क्या कहना है बाहुली का टिकट काटा है बहनों ने पांच पांच तीन तीन बार के पूरे हैं उनका क्या कहना है। देखिए बहुजन समाज पार्टी एक सेकुलर पार्टी समर्थित पार्टी है अनुशासित पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी जो निर्देश करती है उसका हम लोग पालन करते हैं और ये जो भी है बहन जी का निर्णय है वो सब लोगों को बहुजन समाज पार्टी के सुना। अभी कुछ उन लोगों ने यहाँ विरोध करा है जो भाई साहब के टिकट को लेकर टिकट क्या कहना है। इस विधानसभा पे कई लोग आदरणीय बहन जी ने फैसला किया यहाँ से हमें बहुजन समाज के व्यक्ति को चुनना है। यहाँ पर कई लोग लाइन में थे फिर भारी बढ़ने के इस विधानसभा से तो उनमें से ही किसी ने चार पांच लोगों को ड्रिंक कराकर शराब पिलाकर यहाँ भेजा है उसकी जांच करेंगे जो लोग उसके पीछे हैं दोषी हैं उन्हें सजा देंगे। पुराना पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने वो चुनाव लड़ना चाहते थे बघेल समाज के लोग उन्होंने ही भेजा है और बघेल समाज के लोग थे कोई और नहीं या दूसरे या दूसरे समाज के कोई नहीं थे बघेल समाज के लोग थे बघेल समाज के लोगों ने भेजा है कि आप चुनाव लड़ना चाहते वो आज एतमादपुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी ने श्री सर्वेश बघेल जी को इस विधानसभा का आगामी समय के लिए प्रभारी घोषित किया और हम सभी लोग पार्टी के सभी कार्यकर्तागण हर समाज के लोग सभी का ये प्रयास है कि आगामी समय में उत्तर प्रदेश होने वाला चुनाव बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के नाम से लड़ेगी। माननीय बहन जी के द्वारा अपनी पूर्व की सरकारों में जो सर्व समाज के हित में जो काम किए गए हैं उसको मुद्दा बना करके हम लड़ेंगे और हमारी नेता की जो छवि है देश और प्रदेश के अंदर उस छवि के आधार पर आज प्रदेश के एतमादपुर ही नहीं आगरा जनपद की समस्त 9 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का दावा है जीतने का दावा है। हम आगरा से 9 की 9 सीटों को जीतने का काम करेंगे। बहन जी का एक ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है कई ऐसे संगठन चल रहे हैं उसमें क्या कहना है कितने ब्राह्मण की है क्या क्या अलग समाज ये समाज का सम्मेलन नहीं है ये प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन है लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन है उसमें ब्राह्मण से लेके हर जाति हर समाज हर धर्म के लोगों के लोग शिरकत कर रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं लोग सुन रहे हैं उन बातों को और बड़े पैमाने पर अपार सफलता के साथ बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन सफल हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की देखा देखी आपने देखा है कि चाहे बीजेपी है या दूसरे दल के लोग भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने में लग गए हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।